प्यारे बच्चों, आओ चलते हैं उमेहानी की कहानियों की दुनिया में। एक दफा का जिक्र है कि एक पार्क में घास पर एक रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ था। आसमान पर उड़ते और चहचहाते परिंदों में से दो परिंदों की एक साथ नजर उस टुकड़े पर पड़ी। ये एक चिड़िया और एक कौवा था। दोनों ही भूखे थे। दोनों ने एक साथ रोटी के टुकड़े पर हमला कर दिया। वो दोनों लड़ने में और अपनी चोंच से रोटी के टुकड़े को हासिल करने में इतने मशरूफ थे कि उन्हें साथ बैठे एक और परिंदे का पता ही न चला। पास ही एक बूढ़ा सा उल्लू बैठा इन दोनों परिंदों का झगड़ा देख रहा था। उल्लू ने सर हिलाते हुए कहा कि इस रोटी के टुकड़े पर झगड़ना तुम दोनों के लिए नुकसानदेह है। इस पार्क में बहुत सारी खुराक तुम लोगों की मुंतजर है। अपने आसपास नजर दौड़ाओ और मिलकर काम करो तो तुम दोनों के लिए पार्टी है। उल्लू की बात सुनते ही चिड़िया और कौवा दोनों रुक गए और उन्होंने आसपास देखा तो वाकई वहां बहुत से रोटी के टुकड़े, बीज आसपास फैले हुए थे। दोनों ने अपनी चोंच से रोटी के टुकड़े और बीजों को जमा करना शुरू किया और जरा सी देर में अच्छी खासी खुराक जमा हो गई। उल्लू ने कहा, देखा तुम दोनों लड़ रहे थे एक रोटी के टुकड़े पर, लेकिन मिलकर काम करने से तुम दोनों के पास अच्छी खासी खुराक जमा हो गई है। उल्लू बहुत खुश हुआ कि आज उसने दो परिंदों को एक अच्छा सबक दिया और वो वहां से चला गया। दोनों परिंदों ने मिलकर पार्टी की और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लड़ाई झगड़े के बजाय मिलकर काम करना चाहिए और चीजों को बांट लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और आप कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।